चलिए आगे बढ़ते हैं। कंकड़ की एक क्लास हमने कर ली है, ये कंकड़ की दूसरी क्लास है, इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे जरूर करिए, ठीक है भाई। कंकड़ में हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जिनका स्वतंत्र अस्तित्व एंड से जुड़े हों तो उनके बाद वर्ब प्लुरल आती है, दोनों मिलकर एक इकाई का काम करें तो वर्ब सिंगुलर आती है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, एक के पहले आर्टिकल आए तो वर्ब सिंगुलर आती है, दोनों के पहले आर्टिकल आए तो वर्ब प्लुरल आती है, और दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों एक दूसरे के पर्यायवाची हों तो भी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये दो नंबर बोले भाई है ना, जब दो नाउन्स विद अलोंग विद टुगेदर विद डिसाइड्स एज वेल एज इन एडिशन टू ऑफ या किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहली नाउन के अनुसार होती है। जब दो नाउन्स विद अलोंग विद टुगेदर विद बिसाइड्स एज वेल एज इन एडिशन टू ऑफ या किसी भी दूसरी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहली नाउन के अनुसार आती है। जैसे मैं कहूं द विंडोज ऑफ दिस रूम इज और आर लार्ज द नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज और आर वेरी यूजफुल। तो आप देखेंगे प्रीपोजिशन कौन सी आ गई भाई, ऑफ आ गई। अगर प्रीपोजिशन ऑफ आ गई तो वर्ब क्या होगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। या आप ये समझो प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द होते हैं उनका वर्ब और आगे आने वाले एडजेक्टिव में कोई रोल नहीं होता, केवल रोल किसका होता है, प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का। अगर कोई शब्द प्रीपोजिशन अगर कोई दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े हैं तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो शब्द लिखे हुए हैं उनका वर्ब भरने में या मान लो आगे एडजेक्टिव भरना पड़े तो उन दोनों में कोई रोल नहीं होता है। तो विंडोज एक वचन एक बहुवचन है तो वर्ब क्या आएगी आर, नॉलेज एक वचन एक बहुवचन है एक वचन तो क्या आएगी, ठीक है भाई। जैसे द किंग अलोंग विद हिज वाइफ
चिल्ड्रन वाज और इनवाइटेड किंग। अब देखो अलोन बिता दिया ना, तो भी तो प्रीपोजिशन ही होती है भाई, तो इनका वर्ब भरने में कोई रोल नहीं है। अब इनका वर्ब भरने में कोई रोल नहीं है तो बचा क्या भाई, द किंग ही बचा एकमात्र। तो किंग के अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे तो किंग के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, वहां जानी चाहिए। तो द किंग अलोंग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वाज और वर इनवाइटेड। आयरन एज वेल एज कोल, कोल मतलब कोयला, इज और आर वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज। अब क्या आ गया भाई, आयरन एज वेल एज, एज वेल एज आ गया ना, तो एज वेल एज के बाद वाले शब्द का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, केवल, केवल और केवल आयरन का है। और आयरन क्या होता है भाई, धातु है, धातु हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। देखो धातु ना एक वचन होती है ना बहुवचन होती है, लेकिन धातु को माना कैसा जाता है, एक वचन ही माना जाता है। समझ में आ रही है बात। तो यदि कोई दो नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ी हो, किसी भी प्रीपोजिशन से, एक्स वाई जेड कोई प्रीपोजिशन आपको दिख जाए, तो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या ये कहें कि इनके बाद, हालांकि एज वेल एज कनेक्टिव है, वर्ब नहीं है, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं है, ये कनेक्टिव है, तो इसका वर्ब बनने में कोई रोल नहीं है, तो आयरन के अनुसार ही वर्ब आ जाएगी। तो होगा आयरन एज वेल एज कोल इज यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज। समझ में आ रही है बात। द प्रिंसिपल accompanied by his staff members was or were attended the function। अब देखिए स्टाफ मेंबर्स प्लूरल है, लेकिन प्रीपोजिशन आई कि नहीं आई भाई, प्रीपोजिशन आ गई बाई, तो बाई के बाद वाले शब्दों को भूल जाओ। तो इसके पहले प्रिंसिपल तो एक नाउन है भाई, एकम्पनीड तो वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी कोई सब्जेक्ट आ सकता है। तो प्रिंसिपल एक वचन है, कोई वचन है, एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, वाज। समझ में आ रही है बात। तो स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट करिए फटाफट, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा भाई नोट करिए, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद होंगी, ये ध्यान रखना। यदि आप लिखेंगे नहीं कुछ दिन बाद आप इनको भूल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ऐसे ही पड़े रहेंगे गैलरी में। स्क्रीनशॉट्स तो कोई भी दोबारा कॉल करके नहीं देखता है भाई, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता। नोट करिए इसे, सिप अब ये सिंगुलर होता है इसलिए इट्स। पैसेंजर्स वाज और वर डॉन, डॉन मतलब डूबना, ठीक है भाई। द शिप विद इट्स पैसेंजर्स, अब देखो विद क्या है, विद के बाद में क्या आ गया भाई, इट्स पैसेंजर्स, तो इसका कोई रोल नहीं है वर्ब भरने में, प्रीपोजिशन आ गई ना, तो इसके पहले वाले शब्द के अनुसार वर्ब भरिए। या आप ये चीज ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के
तुरंत बाद वाले शब्दों का वर्ब भरने में कोई रोल नहीं होता, तो सिक के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा भाई, बात आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, व्यक्ति का डूबना कहलाता है सिंक, SINK, सिंक सिंक होता है व्यक्ति का डूबना, और ड्रॉन्ड होता है किसी जहाज का डूबना। Besides vegetables, milk besides vegetables is or are good for health। ठीक है भाई, अब देखो besides आ गया, तो besides के तुरंत बाद वाले verb का word का verb भरने में role नहीं, तो verb किसके अनुसार आएगी, milk के according, तो क्या आएगी भाई is। आपको मैं एक चीज और बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैथ्स राजस्थान जी के, इंडिया जी के, साइंस सभी की क्लासेज रेगुलर इजी क्लासेज नीम कथना नाम से हमारा चैनल है, इस पर चल रही है, आप लोग इनका फायदा उठाइए। मैं देख रहा हूँ भाई जनरली आजकल क्या होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, टीचर वहां नीचे क्लिक करता है और यहाँ सारा मैटर जीके का बोर्ड पर आ जाता है और उस जीके के मैटर को टीचर समझा रहा होता है। अब आप इस चीज को समझिए कि सारा मैटर यदि बोर्ड पर लिखा हुआ आ गया तो टीचर ने केवल आपको एक्सप्लेन तो किया, टीचर ने आपको ये कहां बताया कि उसको याद कैसे किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस बात से आप ये भी समझिए कि हमें ये भी शक है कि क्या उनको खुद को वो सारी चीजें आती है, क्या जो बोर्ड पर क्लिक करते ही सारा मैटर आ गया, क्या उनको वो खुद को सारी चीज आती है? उनको आती है तो वो बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे कि ये चीजें कैसे याद की जाएंगी। उन्होंने भी तो किसी ना किसी तरीके से इन चीजों को याद किया होगा। मैं जीके की बात कर रहा हूँ भाई, अब मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश, तो ये समझाने की चीजें हैं, ठीक है। अब या तो उनको वो चीजें याद नहीं है, अगर याद हैं तो वो बच्चों को ये चीज क्यों नहीं सिखा रहे हैं कि उन्होंने ये चीजें कैसे याद की है। तो इसके लिए जीके की भी बहुत शानदार क्लास हमारे चैनल पर चल रही है, पवन सोनी सर पढ़ा रहे हैं। आप उनको देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो न सिर्फ आपको पढ़ाएंगे अपितु उन चीजों को याद करवा देंगे। क्लास में जब वो क्लास पढ़ा रहे होंगे ऑनलाइन, तो पढ़ाते पढ़ाते ही आपको वो याद कैसे की जाए और हाथों हाथ दो बार रिपीट करके उस चीज को वो याद भी करवा देंगे। तो आप केवल इस भ्रम में मत रहिए कि एक डिजिटल बोर्ड है वहां पर अच्छी चीजें पढ़ाई जाएंगी और जो ये पुराना व्हाइट बोर्ड है जो बहुत अरसे से चलता रहा है इस पर आपको अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है भाई, है ना। अब गुणवत्ता पर जाइए, कौन सी चीज आपको ज्यादा समझ में आ रही है, कौन सा टीचर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझा रहा है और आपको याद हो रही है, वहीं पर पढ़िए, डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। जीके वाले सर आपको हर चीज याद करवाते रहेंगे, इंग्लिश समझाने की चीज है तो आप देख रहे होंगे कि एक नहीं मैं कितने कितने एग्जाम्पल्स लिख के आपको समझा रहा हूँ चीजें, ठीक है। चलते हैं आगे, हम पढ़ रहे हैं कि कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द के अनुसार आएगी, या प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द का वर्ब बनने में रोल नहीं होगा। जैसे हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए, besides vegetables
मिल्क इज ओवर आर गुड फॉर हेल्थ। अब आप देखेंगे कि भाई प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द के अनुसार वर्ब आती है, तो यहां तो कोई पहले वर्ड है ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वाला शब्द वर्ब बनने में कोई रोल अदा नहीं करेगा। तो ये कट गया, तो बचा कौन? मिल के बचा भाई, जिसकी अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो इसकी अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? प्रश्न आ गया एक बार एग्जाम में, इन हिम वाज और वर सेंट्रेड डियर लव एंड एम्बिशन। इन हिम उसमें वाज और वर सेंट्रेड निहित है, उनका प्यार और उनकी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, मतलब ये माता पिता के लिए बोला वर्ड है, उनका कोई बेटा है ऐसे मान सकते हैं, श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार में ही उसके माता पिता का प्रेम है, उसके माता पिता श्रवण कुमार को ही प्रेम करते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा भी उसी से है, क्योंकि श्रवण कुमार ही उनकी इच्छा को पूरी कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो उसने क्या किया आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो एक्चुअल सेंटेंस था डियर लव एंड एम्बिशन वाज और वर सेंट्रेड इन हिम। अब आप जब इसे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं देयर लव एंड एम्बिशन दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो और आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिख देता तो कंफ्यूजन नहीं होता ना भाई, एग्जामिनर को चाहता ही है कि बच्चे को कंफ्यूज किया जाए। तो उसने क्या किया, इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिख दिया। इन्वर्जन फॉर्म में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है। अब इसका सब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के पहले यदि वर्ब आती है इन्वर्जन फॉर्म में तो ये वर्ब नहीं हो सकती। और चलो छोड़ो, हमें नहीं पता इन्वर्जन क्या होती है। मैंने आपको क्या कहा, प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द का वर्ब बनने में रोल नहीं होता, इसका मतलब हिम का तो कोई रोल नहीं है। अब ये तो वर्ब खुद है, तो बचा क्या सेंटेंस में? देयर लव एंड एम्बिशन, यही तो बचा। तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन है बहुवचन है, बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन आ जाएगी। आप तो इतनी सी बात याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द का तुरंत बाद जो लिखा है उसका वर्ब बनने में कोई रोल नहीं होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखें। समझ में आ रही है बात? तो ये था प्रीपोजिशन के, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन आ जाए तो हम वर्ब कैसे बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी ऐसा विषय है जो जल्दी से बच्चे के समझ में आता नहीं है। तो आप लोगों को जो भी परेशानी हो रही है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा। अगर समस्या समाधान करने योग्य रही, ऐसे कमेंट मत करते ना कि गुरु जी मान दो घटना और पढ़ाओ, ऐसी चीजें संभव नहीं है भाई। ठीक है, तीसरा रूल, जब दो नाउंस, आइदर और बट ऑल्सो और नोर या किसी कनेक्टिव से जुड़ी हो, किसी कनेक्टिव से जुड़ी हो बाद वाली
के अनुसार। या यू कहें पास वाली नाउन, जो नाउन वर्ब के पास लिखी होगी, पास वाली नाउन के अनुसार आती है। बाद वाली नाउन का दो या पास वाली नाउन का दो, जैसे आइदर राम और श्याम। देखो एग्जाम में कई बार ये भी सवाल आता है, आइदर के बाद में नोर लिख देता है, तो क्या इधर के बाद में और ही आना चाहिए? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, आइदर के बाद नोर और ना इधर के बाद और एग्जाम में लिखा हुआ आता है। तो आइदर राम और श्याम इज ओवर आर इंटेलिजेंट। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ इस वाक्य से। अब ये परीक्षा में आ गया और आपको ये याद नहीं आ रहा कि आइदर और वाले में पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी या बाद वाले के अनुसार आएगी, ये बात आपको याद नहीं आ रही, तो क्या इस सवाल को छोड़ना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही सब्जेक्ट तो सिंगुलर हैं, चाहे पहले वाले के अनुसार आएगी तो भी वर्ब सिंगुलर और बाद वाले के अनुसार आएगी तो भी वर्ब सिंगुलर। समझ में आ रही है बात? तो कई बार रूल याद नहीं भी आए तो भी हम सवाल कर सकते हैं, नजरे खुली होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए खुद में। अब देखो बाद वाले के अनुसार बोलेंगे, बाद में श्याम ही है ना भाई, तो श्याम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। Neither they nor their teacher is or are doing और आप एक चीज और ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई? हिज। हिज किसके लिए है? इस सब्जेक्ट के लिए तो है। तो ये सब्जेक्ट यदि पूरा ही है, ये पूरा सब्जेक्ट ही है, तभी तो इसके लिए हिज लगा सकते हैं हम। अगर ये पूरा सब्जेक्ट ही नहीं होता तो हम क्या लगाते? कुछ मान लो दे होता तो देर लगाते। तो यहाँ पर हिज लगाया, इसका मतलब है कि ये पूरा सब्जेक्ट मिलकर ही बनेगा। ये पूरा सब्जेक्ट मिलकर क्या बनेगा भाई? ही बनेगा केवल, ठीक है ना। ऐसे ही नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स इज और आर गिल्टी। नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा, तो बाद वाला सब्जेक्ट एक क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन है, वर्ब के पास वाला एक वचन है कि बहुवचन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? बहुवचन ही आएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये था, जब कोई कनेक्टिव दो कनेक्टिव को हम जोड़ते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। आप इसे नोट करिए, एक दो एग्जाम्पल में और लिखता हूं। Either the farmer or his sons
या लीव्स, ठीक है, हार्वेस्ट। अब आइदर द फार्मर और हिज सन्स, बताइए बाद में सब्जेक्ट कौन सा है, हिज सन्स ही है तो क्या लिखेंगे, रीप, क्योंकि एस और ये जोड़ने से तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, हार्वेस्ट फसल, रीप काटना, ठीक है भाई। तो आइदर द फार्मर और हिज सन्स रीप द हार्वेस्ट, जो आर ही और हिज फ्रेंड्स विलिंग टू कम टू द पार्टी। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो पास वाला ही है या हिज फ्रेंड्स है, ही है ना भाई, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, इज। इज ही और हिज फ्रेंड्स विलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक, विलिंग मतलब क्या होता है, इच्छुक, टू कम टू द पार्टी, कि पार्टी में आने के लिए उसके मित्र या उसमें से कौन इच्छुक है, ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए अगला जो रूल है वो पूरा नहीं हो पाएगा इस क्लास में, इसलिए ये क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं हम, ठीक है। ये दो रूल ही हमने पढ़े हैं, तो मुख्य रूप से ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन यदि आएगी तो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या ये कहिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट वर्ब नहीं भरेंगे। और उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि एक कनेक्टिव भी है, कौन सा, एज वेल एज, एज वेल एज, यदि कनेक्टिव भी आया तो भी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, और बाकी यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन एडिशन टू, ऑफ या किसी भी दूसरे प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब, सॉरी कनेक्टिव से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, या ये कहें कि अपनी अपनी वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो दोनों एक ही बातें हैं। यहीं तक आज की वीडियो करते हैं, क्योंकि अगली जो आगे का मैटर है वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब चार चार पांच पांच सब्जेक्ट की वीडियो आ रही है, इसलिए हम वीडियो की साइज थोड़ी छोटी कर रहे हैं ताकि आप सारी वीडियोज को देख सके। यदि घंटे घंटे भर की सारी वीडियोज होंगी तो मैं जानता हूं कि 5 घंटे आप लोग पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, तो हम थोड़ी वीडियो छोटी करेंगे, कोई 40 मिनट की, 30 मिनट की, हो सकता है कोई एक आधी वीडियो 50 मिनट या घंटे भर की भी हो, लेकिन जनरली वीडियो जब 40 मिनट के आसपास होने वाली है, ठीक है। तो आपसे अलविदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ, बिल्कुल आपको पूरा समझ में आएगा, अंग्रेजी से डरे नहीं, क्योंकि इजी क्लासेस आपके साथ है और हम आपको अंग्रेजी बिल्कुल सिखाएंगे। जो चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा वो निश्चित रूप से समझ में आएगा और उनमें से ही आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। नमस्कार।